सपोज वी हैव 7 बाय, लेट्स से 11, वी हैव टू कन्वर्ट इनटू डेसिमल एक्सपेंशन, हाउ विल कन्वर्ट इट? हाँ जी, टू विल एक्सप्लेन मी। हिमांशु फ्रॉम सेक्शन ए, इज हिमांशु प्रेजेंट? आ जा बच्चे। हाउ वी हैव टू कन्वर्ट 7/11 इनटू डेसिमल? प्लीज टेल मी बच्चे, हाउ टू कन्वर्ट 7/11 इनटू डेसिमल? मतलब आवाज नहीं आ रही आपकी, माइक हाथ में लेके बोलिए जरा। प्लीज टेल मी हाउ टू कन्वर्ट 7/11 इनटू डेसिमल? नो आई कांट हियर यू बच्चे। टीचर प्रेजेंट इन द क्लास सेक्शन ए? हाँ जी, बताइए बेटा कैसे कन्वर्ट करना है इसको 7/11 को? हाँ जी, चाहत फ्रॉम सी सेक्शन, आहार फ्रॉम सेक्शन सी। मल्टीप्लाई विद 1000। थाउजेंड? बेटा हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है इसको, कौन बताएगा बेटा? प्लीज रेज योर हैंड्स, विल एक्सप्लेन मी हाउ टू कन्वर्ट 7/11 इनटू डेसिमल्स। नोबडी नोज, देखिए बच्चों कैसे करना है। हाँ जी, एक बच्चे का हैंड नजर आ रहा है सेक्शन ए में। प्लीज कम बच्चे, हाउ डिवाइड 7/11। वेरी गुड बच्चे, हम लॉन्ग डिवीजन से 7 को 11 से डिवाइड करेंगे। 7 को 11 से डिवाइड करेंगे तो डिवीजन आती है सबको। 11 इज ग्रेटर, सो सबसे पहले 0 से, राइट, देन यू विल सब्ट्रैक्ट इट एंड 7 विल बी देयर, देन यू विल पुट डेसिमल एंड पुट 1 0 एंड यू विल पुट डेसिमल हियर आल्सो, राइट बच्चों? यस, तो 11 6 जा 66, 4 आ गए बेटा हमारे पास, 1 0 कैरी किया 40, तो दिस 33, दिस वे वी कैन कन्वर्ट इट इनटू डेसिमल फॉर्म। समझ में आया बेटा? हाँ जी। 16, व्हाट हैपेंड टू योर मैम कैमरा? मैम इट्स नॉट विजिबल। इज इट क्लियर बच्चों? हाउ टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन इनटू डेसिमल, समझ सर, बेटा? एक बाय वन, बाय वन जिसने क्वेश्चन पूछना प्लीज कम एंड आस्क द क्वेश्चन बच्चों। हाँ जी, कौन पूछ रहा था क्वेश्चन? प्लीज माइक पे आके पूछिए बेटा। आप क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, आप सारे इकट्ठे पूछ रहे थे बेटा। वो रिमाइंडर्स को आप आगे भी कंटिन्यू कर सकते हो, अगेन 0 कैरी करके, बट यहाँ पे हमें सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस तक चाहिए। अगर ज्यादा डेसिमल प्लेसेस तक निकालना है तो यू कैन कैरी ऑन, राइट बच्चों? ओके इज इट क्लियर? यस जितने डेसिमल प्लेसेस तक फाइंड आउट करना है देन यू कैन कंटिन्यू, राइट? चलिए आप मुझे करके दिखाइए बच्चों। 1/4, 1/4 को डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए। एवरीवन प्लीज डू इट।
ए नो टॉकिंग प्लीज। डन। ओके वेरी गुड। ऑल अदर आल्सो प्लीज डू इट। डन। हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन प्लीज रेज योर हैंड। ओह वेरी गुड। एक्शन एफ जल्दी कीजिए बच्चे। ई में काफी बच्चों ने नहीं किया है। ओनली फ्यू स्टूडेंट्स हैव डन इन सेक्शन ई। ऑल अदर्स आल्सो डू इट। हाँ जी बच्चों क्या है आपका डिवाइड करके? 0.2 0.25। 0.25 आ गया सब बच्चों का? बच्चों यस को करिए। नहीं आया प्लीज रेज योर हैंड। नहीं आया? ओह देखिए बेटा कैसे करना है। यहाँ पे देखिए जो ऊपर वाली टर्म होती है इसको क्या बोलते हैं हम? न्यूमिरेटर क्या बोलते हैं सबको हम? और नीचे वाली टर्म जो होती है इसको क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। राइट। तो आप करना क्या है बच्चे, आपका न्यूमरेटर है उसको आपने डिविडेंड लेना है। ये जो अंदर जो टर्म होती है इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बेटा पता है आपको? डिविडेंड। डिविडेंड। और जिस टर्म से डिवाइड करेंगे उसको क्या बोलते हैं? डिवाइजर। राइट। ठीक है अब इसको डिवाइड किया तो 1 4 से छोटा है तो विल डिवाइड बाय 0 तो 0। तो 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया डेसिमल लगाया 0 कैरी किया नीचे बच्चों। 4 टू था 4 टू था 8 तो नीचे कितना बच गया बच्चे? 2 बच गया। अगेन एक 0 और 0। 4 5 था ट्वेंटी रिमाइंडर 0 आ गया बेटा। यस ये वाला जो पार्ट आया इसको क्या बोलते हैं? क्वेश्चन। क्वेश्चन और ये जो नीचे बचा 0 इसको क्या बोलते हैं? इनको नहीं पता बच्चे आप लिख सकते हो। ठीक है आपने यस करना क्या है बेटा? We have to divide numerator by denominator. Whenever we have to convert a fraction into decimal form, we have to divide a numerator by denominator. Numerator मतलब ऊपर वाली टर्म। कई बच्चे क्या गलती करते हैं जो नीचे वाली टर्म होती है उसको डिवाइजर और डिविडेंड बना देते हैं और न्यूमरेटर को डिवाइजर विच इज रॉन्ग। ठीक है बच्चों करना है बेटा। इज दिस क्लियर? यस नाउ वी नो दैट वी कैन पुट द फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन। फ्रैक्शन को हम नंबर लाइन पे पुट करते हैं बेटा। यस सिमिलरली वी कैन पुट द डेसिमल आल्सो ऑन द नंबर लाइन। राइट। ठीक है बच्चों तो वी पुट ऑल द डेसिमल ऑन द नंबर लाइन। ठीक है तो अब डेसिमल हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? डेसिमल को रिप्रेजेंट करने का क्या वे होता है? जैसे हमने देखा है कि फ्रैक्शन, यू नो हाउ टू रिप्रेजेंट अ फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन?
रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शन। ये बच्चों आपने आपको रिप्रेजेंट करना थ्री को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे, बच्चों बताइए मुझे जरा। एक्सप्लेन मी, एनीवन हु कैन कम एंड एक्सप्लेन हाउ टू रिप्रेजेंट 2/3 ऑन नंबर लाइन, फ्रैक्शन को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना, प्लीज रेज योर हैंड जिन लोगों को आता है। हाँ जी बच्चों, हु कैन एक्सप्लेन हाउ टू रिप्रेजेंट 2/3 ऑन नंबर लाइन, क्यों नहीं आता? आप लोग तो बोल रहे हैं बेटा हमें आता है। हाँ आ जाइए बच्चे, आ जाइए सेक्शन ए में। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, पहले इस पर जैसे मार्क करें कि 2 लाइन है, थर्ड वाला मार्क थोड़ा बड़ा करना है। ओके उसके बाद सर जो सेकंड वाला मार्क होगा उसके ऊपर ही मार्क कर देना। थोड़ा सा मतलब और एक्सप्लेन करो थोड़ा सा इसको बेटा। सर जैसे आपने पहले 1 लाइन लगानी है, उसके बाद सेकंड लाइन लगानी है, और जो हमने नंबर लाइन पर थर्ड लाइन लगानी है वो सबसे बड़ी लगानी है। और देखिए बच्चे ये 0 मार्क है, ये नंबर लाइन पे ये 1 है, ये 2 है, इस तरफ नेगेटिव नंबर्स होते हैं। अब ये लाइन कौन से वाली की बात कर रहे हो आप? सर पॉजिटिव वाली। नहीं बेटा, सबसे पहले तो प्लीज सिट डाउन, मैं बताता हूँ कैसे लिख करते हैं इसको। और कोई बताना चाहेगा बेटा? देखिए बच्चे, सबसे पहले हमें ये चेक करना होता है कि जो फ्रैक्शन वी हैव वो किस दो इंटीजर्स के बीच में लाई कर रहा है। फ्रैक्शन जो है हमेशा दो इंटीजर्स के बीच में लाई करेगा बेटा, यस और नो? सर यस। सो नाउ टेल मी 2/3 लाइज बिटवीन विच टू इंटीजर्स, कौन से दो इंटीजर्स के बीच में आएगा ये? सर 0 एंड 1। सबको पता है ना ये चीज। अब जो देखिए इसका डिनोमिनेटर कितना है बेटा, व्हाट इज द डिनोमिनेटर? सर 3। अब हमें दो चीजें पता चल गई कि एक तो ये जो 2/3 है इट विल लाई बिटवीन 0 एंड 1, राइट? एंड दूसरी थिंग, इसका जो रिमाइंडर है, इसका जो डिनोमिनेटर है वो 3 है। नाउ व्हाट विल डू, जो ये 0 और 3 के बीच का गैप है, विल डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स। हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया बच्चों, यस और नो? सर ये 0 हो जाता है बेटा, इसको हम लिखते हैं 0/3, और ये क्या हो गया 1/3, और सेकंड वाला मार्क आ जाएगा ये क्या आ गया 2/3। और देखिए जो 1 होता है ये क्या होता है हमारे पास 3/3, और 3/3 को सॉल्व करते हैं तो कितना आता है 1 आता है ना, तो ये 1 ही है। तो हमें इसमें से अपना रिप्रेजेंटेशन करनी होती है। Is this clear? Is it clear बच्चों? Yes. Suppose मेरे पास 5/4 है। How to represent this on number line? In which two integers this number will fall? Tell me between which two integers this number will lie? 5/4 कौन से दो इंटीजर्स के बीच में पड़ता है बेटा? 1 एंड 2। राइट, तो अब हमें क्या करना है, 1 और 2 के बीच का जो गैप है उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है? कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे बेटा? 4। 1, 2, 3, 4। अब हमें क्या प्रेजेंट करना है, 5/4। तो ये जो 1 हो गया बेटा ये क्या होगा, ये 4/4 है, और उसके बाद वाला 5/4। एक और वे से कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपके यू नो व्हाट इज प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्या होता है बेटा? इन व्हिच न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, दैट इज नोन एज प्रॉपर फ्रैक्शन। इफ द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर
दैट फ्रैक्शन इज नोन एज इम्प्रॉपर प्रॉपर फ्रैक्शन. फ्रैक्शन व्हेनेवर यू हैव टू रिप्रेजेंट एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन, कन्वर्ट द फ्रैक्शन इनटू मिक्स फ्रैक्शन. तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. टेल मी व्हाट विल बी देयर इन द मिक्स फ्रैक्शन. मिक्स फ्रैक्शन में क्या आएगा बेटा, ये 5/4, 1/4 आ गया. अब ये देखिए, जो जूनियर नंबर आया ना बेटा 1, और व्हाट इज द नेक्स्ट इंटीजर आफ्टर 1? 2. One thing is there, कि this number lie between 1 and 2. Yes? Yes or no? अब आपको 1 और 2 के बीच में 1/4 रिप्रेजेंट करना है. तो ये आ गया बेटा 4/4 और ये आ जाएगा 1/4, राइट. ये देखिए बेटा, ये 1 है, ये 2 है. We have divided this into 4 parts. तो ये हो गया आपका 1/4, 2/4 और ये तो 4/4 आ गया. सो वी हैव टू रिप्रेजेंट 1/4 बिटवीन 1 एंड 2. सो दिस पॉइंट विल बी योर 5/4 और 1/4. इज इट क्लियर? किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज आस्क द क्वेश्चन. यस स्टूडेंट्स, now how to convert or how to represent decimals on the number line. decimals ka representation se pehle we'll understand sabhi bachcho ko samajh mein aa gaya. please repeat it sir, please repeat. कौन सा वाला सर जो अभी करवा कर हटे हैं, मिक्स फ्रैक्शन वाला? कोई नंबर बोलो आप, मिक्स फ्रैक्शन का कोई भी नंबर बोलो बेटा. सर 2, 3, 2, 3/4. 2, 3/4, वेरी गुड. अब ये आ गया हमारे पास बच्चे 2, 3/4. यहाँ से एक चीज तो हमें पता चल गई कि 2 से ग्रेटर है और 3 से स्मॉलर है. यस और नो? यस. अच्छा ये जो होल पार्ट है, ये देखिए जो ये एक मिक्स फ्रैक्शन का, ये क्या, इसको क्या बोलते हैं बेटा? होल पार्ट. और इसको क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल पार्ट. अब जो होल नंबर है दैट इज 2, तो मीन्स इट विल बी ग्रेटर देन 2, तो इट विल लाई बिटवीन 2 एंड 3. व्हाट इज द डिनोमिनेटर? 4. Now how many parts will divide this? 4 parts में कर दिया. Is this clear? Now this will be 2 1/4. This will be 2 2/4 and this will be 2 3/4. This will be a. Is this clear बेटा? Yes. और कोई डाउट बेटा? नो डाउट. वेरी गुड. नाउ वी अंडरस्टैंड अ बिट अबाउट डेसिमल्स. अच्छा डेसिमल्स फ्रैक्शन को जब आप डिवाइड कर देते हो तो दैट इट बिकम्स इनटू डेसिमल्स. नाउ व्हेन वी हैव डेसिमल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड द प्लेस वैल्यू चार्ट ऑफ डेसिमल्स. प्लेस वैल्यू चार्ट राइट बच्चों, ये देखिए बच्चे यहाँ पे क्या आता है. देखिए अगर हमारी काउंटिंग होती है तो यहाँ पे क्या आता है, 1, 1 के बाद क्या आता है, 10. यस और नो? देन देन थाउजेंड राइट.
डेसिमल्स वी गो इन द अपोजिट डायरेक्शन राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर कम व्हाट इज टेन, ये होता है बेटा वन, टेन, हंड्रेड, थाउजेंड, और यहाँ पे क्या आता है हंड्रेड। हंड्रेड मतलब वन बाय हंड्रेड थाउजेंड, राइट बेटा। तो व्हेन वी राइट एनी नंबर, सपोज आई एम राइटिंग 2.345, आई हैव रिटन दिस नंबर, इज दिस क्लियर? सर यस। लेट्स से इट इज 12.345। नाउ व्हेन वी हैव टू रिप्रेजेंट दिस नंबर इनटू एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म आती है सब बच्चों को? सर यस। हाउ वी कैन राइट दिस नंबर? 10 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
राइट यस और नो? यस अगर मुझे प्लेस वैल्यू पूछी जाए 2 की, तो व्हाट इज द प्लेस वैल्यू? टू टू। बेटा वो तो फेस वैल्यू है, प्लेस वैल्यू है। अब सरफेस सरफेस फेस वैल्यू क्या है इसकी? सर टेन बेटा ये 2 की प्लेस वैल्यू, 1 नहीं है। हाँ सर 2 1 हो गया ना, इसको ऐसे लिखते हैं बेटा 2 1। राइट यस और नो? यस व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 3? प्लेस टेंथ वैल्यू ऑफ टेंथ आई कैन थ्री टेंथ टेन, राइट? एंड टेंथ व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 4? हंड्रेड एंड 5 by 1000 ऑफ। थाउजेंड दिस इज क्लियर बच्चों? प्लेस वैल्यू चार्ट समझ में आ रहा है सबको? सर नाउ बाय द प्लेस वैल्यू चार्ट वी कैन कंपेयर द डेसिमल्स। डेसिमल्स को कंपेयर करना आता है बेटा आप लोगों को? चलिए क्वेश्चन लेते हैं फिर, कैसे कंपेयर करते हैं बेटा? बेटा एक क्वेश्चन लेते हैं हम, 2.03, 2.3, 2.033 एंड 2. अभी चार नंबर है बच्चे, वी हैव टू अरेंज देम इन द असेंडिंग ऑर्डर। वी हैव टू अरेंज देम इन द असेंडिंग ऑर्डर। इनको जब कंपेयर करना है, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है सबसे पहले कंपैरिजन करना है, राइट? तो हाउ डू वी कंपेयर, हाउ डू वी कंपेयर? देखिए प्लीज लिसन केयरफुली एवरीवन, लीव योर नोटबुक साइड, पेन और नोटबुक साइड रख दो पहले पहले इसको अंडरस्टैंड करो। मुझे पता है काफी लोगों को आता है बट स्टिल, राइट? सी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू, दिस नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय डेसिमल प्लेसेस, राइट? हियर देयर इज ओनली 1 डेसिमल प्लेस, 3 डेसिमल प्लेस, 3 डेसिमल प्लेस। फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट ऑल द नंबर्स इन 3 डेसिमल प्लेसेस, क्योंकि 3 ग्रेटर है। तो हाउ वी कैन राइट दिस? 0.30 हाउ वी कैन कन्वर्ट दिस? 2.30
0.33 2.03 नाउ वी कैन वेरी इजीली कंपेयर दैम। कंपेयर क्या करना है बच्चे, दे हैव द सेम, द फ्रैक्शनल पार्ट इज सेम, फ्रैक्शनल सो यस पार्ट इज सेम फॉर इन एवरी नंबर टू है बेटा सबका, राइट। नाउ द नंबर आफ्टर द डेसिमल दैट इज द फ्रैक्शनल पार्ट, व्हाट इज दिस 0.30, राइट। So whenever you have to compare, what you have to do, you have to take the number at the tenth place. What is the number at tenth place? Zero. So then three zero. Now what is the meaning? The 3 1. This number is the greatest test. Because the place, this tenth place number. Of all these four numbers, this is the greatest one. Sir, yes. Yes. बाकी सब में तो बेटा जीरो आ रहा है ना, वो इक्वल है, but three greater है, so this will be the greatest number. तो इसको हम फोर्थ ऑर्डर पे लिख दें, right? After that, compare the number or the digit at 100th place. 100th place पे कौन सी डिजिट है? Here it is three. Here it is again 3. Here it is 0. 0. So now tell me which one is the smallest? 2.003. They both have the same number 3. But yeah. 0 is less than the 3. So that number is the? Great. Smallest. Smallest ho gaya beta ye? Sir, yes. Now we are left with these two numbers. Now compare the digit at the 1000th place. Digit is here zero. Zero. And here three. Which one is greater? The 2.033. Right. Yes. This will be the order of increasing order of the decimal numbers. Here. Achho, is this clear? Sir, yes. Anything not clear to anyone? Compare करना आ गया सब लोगों को? Sir, yes. Yes. मैं एक और नंबर देता हूँ आप लोगों को. If any doubt to any student, please can ask. Compare these four numbers. Sir, in which order, in descending or ascending? Ascending order, beta. Again, exam in ascending order. Done. How many of you have done? Please raise your hand. बाकी जल्दी से कीजिए बच्चों. Other students, please do it fast. Done. चलिए बच्चे,
अब आ जाइए युवराज फ्रॉम सेक्शन 6C, युवराज फ्रॉम 6C। युवराज प्लीज कम फास्ट। हाँ जी बेटा, और साइन कर दिया आपने सेंडिंग ऑर्डर में? कर रहे हो आप? इतना मुश्किल क्वेश्चन है बेटा, चलो जल्दी से करो, जरा खड़े होकर करो यहीं पे। हाँ जी बेटा, चलिए एक काम कीजिए, कि जब जगदीप आ जाए, जगदीप फ्रॉम 6F, जगदीप आ जाए बेटा। हो गया सर? नो बाय कर रहा हूँ बेटा, इतनी देर का काम थोड़े, इतना बड़ा क्वेश्चन थोड़े है कि आधा घंटा लगाओ आप। हाँ जी वरिंदर फ्रॉम 6C, वरिंदर वरिंदर इज देयर, प्लीज कम फास्ट। सर यस, सर यस। हाँ जी बेटा, हैव यू डन? सर यस। प्लीज टेल मी व्हाट यू हैव डन। सर 47.096। ओके सर 47.96। सर 69.04। 69.0 फोर हाँ 69.0444। फोर। वेरी गुड बेटा, प्लीज सिट डाउन। देखिए बच्चों, दिस क्वेश्चन दीज टू आर 47.096 एंड 47.96। नाउ बोथ द फ्रैक्शनल पार्ट आर सेम, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंपेयर दीज टू नंबर्स, राइट? फर्स्ट थिंग विल डू, विल मेक ऑल द डेसिमल पार्ट्स थ्री डेसिमल प्लेसेस। नाउ 47.960 एंड 47.096, विच वन इज ग्रेटर? 47.09। ये वाला पार्ट आपने कंपेयर कर दिया, अब ये देखिए 960 इज ग्रेटर देन 0.096। सो यस, देयरफॉर फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल बी 47.096 देन 47.96। नाउ कम टू दीज टू नंबर्स, दीज टू नंबर्स 69 इज सेम बोथ, सो यस, then 0.40 and 0.44 means this is smaller than this number. अगर हम वैसे भी compare करें yes. तो 0.044, right? Is this clear? Yes. 0.040, right? अगर आप without decimal भी compare करें इन दोनों number को, तो विच वन इज ग्रेटर? 0.44। दिस नंबर इज ग्रेटर, सो दिस इज द ग्रेटेस्ट नंबर एंड यस स्मॉलर देन ग्रेटेस्ट वन। इज दिस क्लियर बच्चों? यस। नाउ वी अंडरस्टैंड हाउ टू रिप्रेजेंट द डेसिमल्स ऑन द नंबर लाइन। डेसिमल ऑन द नंबर लाइन, सपोज वी टेक वन नंबर, एग्जाम्पल 0.04, राइट?
Now we have these four numbers. We have to represent these numbers on the number line. How to do this? See, first of all the numbers are less than one. Sir, yes. And they all lie between 0 and 0 and 1. 0 and 1. So what we'll do? Let's say one by one we represent the numbers, right? Suppose we have to represent 0.048, right? How to represent this? Let's say this is 0, this is 1. So first of all, divide it into 10 parts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Right? This will be 0.1. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Is this clear, bacho? Is this clear? First of all, we'll understand how to represent the decimal places in the tens. Tens means how to represent, suppose, this number 0.01. Or 0.01 will be, say, it is 0.1. First of all, what we have to do, we have to take 1 and 0 and 1. The number means 0 and 1. You have to divide this into how many parts? How many parts? 10. 10 parts. And then you have to represent. For example, 0.1, 0.2. So, aapke jo syllabus mein aayega beta, so we will have only these numbers to represent. Jyada bade number nahi aayenge representation ke liye. Theek hai? How to represent? Suppose 0.1. Let's say we have to represent 2.3. How to represent this? So, between 1 and 2. 2.3. Between 2 and 3. 2.3 beta. And divide this into 10 parts, right? Yes. ठीक है बच्चे, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? 2.1, 2.3, 2. ये आपका हो जाएगा? 3, 3. तो बच्चों, तो this way you have to represent the decimal number on the number line. क्योंकि ये जो ज्यादा डेसिमल प्लेसेस तक है दिस विल नॉट बी देयर इन योर सिलेबस राइट सो वी विल अंडरस्टैंड ओनली टिल द वन डेसिमल प्लेस क्लियर है बच्चों यस कंपैरिजन विल बी देयर इन द हंड्रेड्स आल्सो इन द थाउजेंड्स आल्सो बट नॉट द रिप्रेजेंटेशन इज इट क्लियर कोई डाउट इसमें नो Right. So I'll give some number to represent. Sir, please repeat again. I will. See, bacho. How to represent numbers on the decimal number on the number line? First of all, you have to represent only the number till one decimal place. For example, you have to represent 5.7. Right? Now, 5.7 lies between which two whole numbers? 5 and 6. 5 and 6. So, you draw a number line. Here it is 5. Here it is 6. How many parts you have to divide this into? 10 parts mein divide kar lo, bache. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. Right, beta? We have divided this into 10 parts. Yes. This is 0.7. So this will be 0.1 means 5.1, 5.2, 3, 4, 5, 6, 7. So this point will be a 5.7. 5.7. Is it clear?
If you have to represent 5.5, here will be 5.5, 5.1, 2, 3, 5.5. You have to represent 4.9. So please repeat. 4.9. 4.9. Between 4 and 5. Here हो जाएगा बेटा. Yes. इसको आप properly बनाएंगे. Between 4 and 5. This is 4. This is 5. Divide into 10 parts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. Right? So 4.9 will be. Okay, bachcho. So, yes. You have to represent till only one decimal place. Is it clear? Is this clear, bachcho? Yes. So, what we have learned today? Yes. What we have learned today? Representation. How to convert a fraction into decimal. Decimal. That is clear to all of you? Sir, yes. चलिए फिर एक काम कीजिए, एक नंबर देता हूँ मैं आपको, जल्दी से करके बताइए जरा. प्लीज कन्वर्ट 2/7 इंटू डेसिमल प्लेस, डेसिमल नंबर, एंड यू हैव टू कन्वर्ट टिल 3 डेसिमल प्लेस. 2.7. Into decimal number and convert till 3 decimal places. हो गया बच्चों, सर व्हाट वी हैड टू डू इन दिस क्वेश्चन, वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू डेसिमल फॉर्म, थ्री डेसिमल प्लेसेस. कन्वर्ट इनटू डेसिमल नंबर at 0.285. Three decimal places. Please do it, madam. Sir, 0.285 answer. How many of you have done? Only few. जल्दी से कीजिए बच्चा. Section F वाले बच्चों ने नहीं किया. D वाले काफी सारे बच्चों ने नहीं किया. Please finish it fast. Triksha, Triksha from section D. Triksha, Triksha from section D. Triksha is there? Beta, have you done it? Good morning. Have you done it? Say yes. Please tell me what you have done and how you have done it. First of all, what you have done? Sir, firstly, we divide 7. Better don't try to be over smart, the girls. Please stand up. Trisha ke saath jo ladki baithi hai, please stand up. आपको मैंने कुछ बताया. Please stand up, beta. ये जो notebook है ये किसकी है? सर मेरी है. Why you are showing to her?
वो कह रही थी मैं अपनी नोटबुक पीछे से लेने जाऊं, तो मैंने कहा इस पर कर लो। बेटा डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट राइट। इफ आई हैव कॉल्ड समवन टू एक्सप्लेन राइट, लेट लेट हर डू इट। जस्ट क्लोज योर नोटबुक। नाउ एक्सप्लेन बेटा। सेवन सर फर्स्टली वी डिवाइड 7 बाय 2। बाय टू वेरी गुड। तो 7 को बच्चे हम यहाँ पे डिवाइजर रखेंगे, डिविडेंड रखेंगे। 7 बाय 2 मीन्स जब डिवाइड करेंगे यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ आएगा राइट। सर साइड मतलब यहाँ पे और सर यहाँ पे क्या आएगा? टू। यस टू सर ये डिवाइड कैसे करा बेटा आपने? सर वी टेक 0 जीरो। कहाँ पे बेटा? यहाँ पे। यहाँ सर पे। यहाँ यस सर पे। अच्छा सर इसमें क्या करेंगे? सर सब्ट्रैक्शन अभी क्या है सब्ट्रैक्ट करके बेटा? टू। सर टू सर ओके कहाँ वी टेक 0 पे सर 2 के साथ बेटा? कोई इसका क्वेश्चन ऊपर है जी? खराबी सर 2 के साथ 0 लगाएंगे है इसका क्वेश्चन? कुछ नहीं आएगा व्हाट सीरियस विल बी द क्वेश्चन? सर 0 पॉइंट क्वेश्चन 0 पॉइंट आगे वेयर? सर बी टेक 0 सर 2 के साथ ये ले लिया बेटा मैंने सर ऊपर यहाँ पे, ये तो सर यस 20 बन गया। नहीं सर नीचे एरो लिख कर आएंगे यहाँ डेसिमल नहीं लगाना था, डेसिमल सर नहीं लगाना बेटा। सर नो व्हाई हाउ कैन यू मेक 2 to 20? यू प्लीज कीप क्वाइट, द गर्ल स्टैंडिंग देयर। और आप पीछे चले जाओ बेटा, आप पीछे चले जाओ। पिक योर नोटबुक्स एंड गो बैक। हाँ जी बच्चे प्लीज टेल मी। बच्चे यहाँ पे 2 के बाद डेसिमल नहीं आएगा, फिर आएगा आप मना क्यों कर रहे थे? चलिए आगे कीजिए, क्या कर रहे हैं आप? ये लीजिए 0 कैरी कर ली मैंने। नाउ व्हाट वी हैव टू डू? सर डिवाइड कर बता करिए ना, डिवाइड आप करिए, क्या करना है डिवाइड में? सब्ट्रैक्शन डिवाइड बोल रहे हो, सब्ट्रैक्शन बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो बेटा? हाँ जी 2 0.2 मैम उसके साथ 2 आएगा फिर 14 के साथ सब्ट्रैक्शन करेंगे बेटा, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 to the 14, यहाँ 14 आया, सब्ट्रैक्शन किया 6 आया, देन अगेन वील कैरी 1 0, इट विल बिकम 16, 7 8 56 राइट, सब्ट्रैक्ट यस करके 4 आया, अगेन विल कैरी 1 0 हेयर, तो 7 5 फाइव द, दिस इज द वे टू डू द डिवीजन। सही दिस इज क्लियर? यस दिस इज द वे टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फॉर्म। दिस इज क्लियर? यस लिख डाउन बेटा। राइट नाउ स्टूडेंट्स, आफ्टर द कन्वर्जन पार्ट व्हाट वी हैव डन? बच्चे हमने कन्वर्ट किया था डेसिमल में फ्रैक्शन को। आफ्टर दैट वी हैव डन कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शनल नंबर। बच्चे हमने फ्रैक्शन जो डेसिमल थे उसको कंपैरिजन किया है, यस और नो? यस After that, we have learned how to represent the decimal number on the number line. Is this clear? यस We have done 3 things today: conversion of fraction into decimals, comparison. हाँ जी एक्सक्यूज मी कौन है बच्चा, क्या बोल रहे हैं बेटा आप? सर, डिवीजन तो 20 हुआ। सर हाँ डिवीजन का एंटी नहीं हुआ बेटा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या था? 2/7
अप टू थ्री डेसिमल प्लेसेस, तो वी हैव गॉट अप टू थ्री डेसिमल प्लेसेस, यस नो यस डिवीजन का एंड नहीं भी हुआ तब भी बेटा व्हाट एवर वी रिक्वायर वी गॉट इट, यस इसलिए हमारे क्वेश्चन का एंड हो गया है। ठीक है, चलिए आफ्टर दैट वी हैव लर्न हाउ टू कंपेयर द डेसिमल नंबर्स एंड देन वी हैव अंडरस्टैंड हाउ टू रिप्रेजेंट द डेसिमल नंबर्स ऑन नंबर लाइन नंबर लाइन। डन दीज थ्री थिंग्स। इन द नेक्स्ट क्लास वील कंटिन्यू आवर स्टडी ऑन डेसिमल। इज दिस क्लियर बच्चों? यस अंडरस्टैंड हाउ टू एड और सब्ट्रैक्ट द डेसिमल्स एंड ऑपरेशंस ऑन डेसिमल्स, राइट बच्चों? यस So, thank you very much, student, for joining. Thanks a lot, teachers.